नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला पर्व जिसे दिवाली कहा जाता है, हिंदू धर्म का मुख्य पर्व होता है। इस दिन श्री गणेश और सर्व की देवी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। दिवाली के दिन अयोध्या के राजा श्री राम अपने 14 साल का वनवास काटकर लौटे थे। इस दिन महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं। धर्म शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि इन दिनों महालक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है और उन्हीं की हमेशा आराधना करना चाहिए, जिससे हमें वह कृपा हमें पर बनाए रखे। दोस्तों, कभी कभी दिवाली के इन दिनों में हम बिना जागे कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे महालक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। आज मैं आपको बताने वाला कुछ ऐसे काम जिसे करने से महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। पहला, सूर्य उदय से पहले उठें। आमतौर में हमें जल्दी ही उठना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो सुबह किसी कारणवश देर से उठते हैं। शास्त्रों की बात माने तो हमें दीपावली के दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहती है, साथ ही आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। इसलिए इन दिनों में जल्दी उठने की कोशिश करें। दूसरा, सूर्यास्त के समय ना सोए। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है या फिर कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो ही शाम के समय सोएं या आराम करें, नहीं तो इस समय आपको नहीं सोना चाहिए। माना जाता है इस समय माता लक्ष्मी हमारे घर आती है, अगर आप सोते मिले तो वह दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगी, जिससे आपके घर में गरीबी का निवास हो जाएगा। तीसरा, नशा ना करें। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में किसी भी प्रकार का नशा वरना वर्जित माना जाता है। जो लोग दीपावली के दिन नशा करते हुए सदैव दरिद्र ही बने रहते हैं, नशा अभिशाप के समान माना गया है, साथ ही घर के पवित्रता भी नष्ट होती है। इसलिए इन दिनों में नशे से दूर रहना चाहिए। चौथा, अपने से बड़ों का आदर करें। शास्त्रों में लिखा है कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, कभी भी उनसे गलत तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता क्रोधित होते हैं। पांचवा, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। दीपावली के दिनों में किसी से किसी बात पर बहस या झगड़ा ना करें। परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, इससे घर में खुशी का माहौल रहता है, साथ ही आपके माता लक्ष्मी का कृपा रहेगी। घर में शांति रहने को घर में किसी भी लक्ष्मी नहीं जाती। छठा, घर को साफ रखें। दीपावली के अपने घर को साफ रखना चाहिए, जिससे जब भी लक्ष्मी आए तो बिना रुके अंदर चली जाए। माता का आगमन अपने घर में करने के लिए सुगंधित फूलों और इत्र का भी छिड़काव करना चाहिए, जिससे घर में किसी भी प्रकार की बदबू ना आए। सातवा, गुस्सा करने से बचे। दीपावली के दिनों में गुस्सा नहीं करना चाहिए और तेज आवाज में चिल्लाना भी नहीं चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप गुस्सा करती हैं तो आपके ऊपर कभी भी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होगी, जिससे आपके घर में अशांति दरगर्वी का निवास होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ काम जिसे दिवाली के दिनों में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।